गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए तो आज मैं फिर आ गया हूँ, आप भी आ गए हो। चलो पेन कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो, तुमने देख लिया होगा ना, देख के याद होंगे। हाँ तो आज हम 8.2 का डिस्कशन करने वाले हैं। 8.2 के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ढंग से समझने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, बिना उसके अगर आप ये सॉल्व करने बैठोगे तो आपको दिक्कत होगी 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 110% होगी। याद तो नहीं है सर, क्या करें? अगर याद नहीं है तो एक कॉपी पेन लीजिए, उस कॉपी पेन के अंदर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के पेपर फाड़ लीजिए और पेपर बगल में लेके उसके बाद ये सेशन अटेंड करने बैठे, ठीक। या फिर बगल में टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाइए, ठीक है। दोनों में से एक काम करना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा सर, शुरुआत में ये मैं पर्सनली बोल रहा हूं, आप देख देख के ही सारी चीजें कीजिए, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप देख के ही उसमें पुट करेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए तो हम जो है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ना। तो आइए 8.2 एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर क्या दिया, इवेल्युएट द फॉलोइंग। एनसीईआरटी लेके बैठना, ठीक है। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग के अंदर हमें जो है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है सर, ठीक है। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, काफी बड़ा नहीं है। तो देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला सवाल है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये सवाल है सर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू याद ही नहीं होगी, है ना, अगर तुम्हें ये चीज याद ही नहीं है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए मैंने कहा था कि वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है, प्लस साथ में आपको टेबल, इस टेबल रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब फटाफट से अगर आपने टेबल हाथ में रखा है, बगल में टेबल चार्ट रखा है, तो जो जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट करें। चलिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है, ये भी होता है √3/2, साइन 30 की वैल्यू इज 1/2, कॉस 60 की वैल्यू इज 1/2। सर हमें तो वैल्यू याद नहीं है, तो क्या मैं बताया ना क्या करना है, वैल्यू याद नहीं है तो बगल में जो है आप एक टेबल अपने बुक लेके बैठिए, उसमें से आप देखते रहे, या फिर आप एक नोटबुक के ऊपर टेबल ड्रॉ कर लो, बगल में रखो, उससे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या रखनी है, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 2/2 कितना हो जाएगा 4, 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4, इन्हें आप ऐड करेंगे 3 + 1 = 4, तो 4/4 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। टेबल मैं बना दू क्या, चलो स्टार्टिंग का मैं कुछ बना देता हूँ, है ना। साइन का मैं बना देता हूँ किसका, 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, क्लियर। 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें cos थीटा में उल्टा कर लेना, यहाँ 1 आएगा, यहाँ √3/2 आएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, क्लियर। इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ऐसे ऐसे भी कर देता हूं, बिना ऐसे ऐसे किए आपको समझ नहीं आएगा। ये हमारा टेबल है, ठीक है। साइन कॉस का याद रखेंगे, बाकी चीजें तो अपन देख लेंगे यार, ठीक है। चलो अगला क्या तरह का सर, अगला है, अगला सवाल कितना है, लिखा हुआ है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन का स्क्वायर 60। अब बड़े ही प्यार से बताना, tan 45 सबसे खूबसूरत वैल्यू होती है, ध्यान रखना। tan थीटा की भी मैं लिख देता हूं, tan थीटा पहले यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा 1/√3, tan 45 1 होता है, tan ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफरेंट, ध्यान रखना, ठीक है। sin cos tan की वैल्यू याद रखनी है आपको, तो tan 45 1 होता है तो 2 × 1² प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो cos 30 कितना है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर देना है, माइनस sin स्क्वायर 60, तो साइन में 60 पे देखो तो √3/2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा √3/2 और इसका करेंगे स्क्वायर। ध्यान से देखना, √3/2 √3/2 वैल्यू क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम आइटम माइनस सेम आइटम 0 हो जाएगा, यानी 2 × 1² 1, 2 × 1 = आंसर इसका 2 आ गया। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि सेम माइनस सेम 0 होता है, समथिंग माइनस समथिंग तो 0 ही होता है ना। चलो ठीक है, तो आई होप इतने समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर पीछे जो है अलग फॉर्म में दे रखा है, ठीक है।
देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए ही ऑलमोस्ट सारे बच्चे यहाँ पे आने वाले, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू अगर हम रखेंगे तो cos 45 होता है 1 अपॉन रूट टू, क्लियर। sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में रूट टू। sec 30 यानी आप cos 30 देख लो और फिर उसको उल्टा कर देना, cos 30 3 रूट 3 बाई 2 है, रस्सी पकड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3, तो वो लिख दिया मैंने। और इसके बाद क्या रखा, cosec 30, तो आप sin 30 देखो और उसको उल्टा टांग दो, sin 30 है 1 बाई 2, उल्टा करेंगे 2 बाई 1 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। यहां तक समझ में आई क्या बात? अब क्या करना है, अब बहुत ही आसानी से आप पहले एलसीएम ले लो इनका, तो क्लियर। देखो एलसीएम लेते हैं अपन, 1 बाई रूट 2 ऊपर रह गया, नीचे क्या ये 2 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा और होल अपॉन में कितना आएगा रूट 3। सबसे नीचे वाला आइटम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, क्लियर। रूट 3 इंटू 1 ये आ जाएगा रूट 3, अच्छा नीचे क्या आएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, 2 प्लस 2 रूट 3 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब क्या करना है सर, अब एक काम कीजिए इस रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 रूट 2 और रूट 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2, रूट से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया रूट 6, क्लियर हो गया यहां तक। अब आपको क्या करना है, ये आपका आंसर होना चाहिए ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। इसके लिए आपको फ्रैक्शन का एक रूल ध्यान में रखना होगा, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एक पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होता है तो याद है साइन हम ऊपर कर देते हैं, और तीसरा ये होता है कि डिनोमिनेटर जो है एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इरैशनल नहीं। ये इरैशनल है, इसको रैशनल जब तक आप नहीं बना देते तब तक आपका आंसर सही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, किसी भी सवाल में अगर रैशनल नहीं है तो क्या करेंगे, रैशनल बनाएंगे, और रैशनल बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, रैशनलाइजेशन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, याद है। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, दिख रहा है प्लस 2, अब 2 तो रैशनल नंबर है ना, 2 को थोड़ी रैशनलाइज करेंगे, तो आप 2 को बाहर कॉमन ले लो, तो 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट 3 अपॉन में 2, और यहां बचा क्या रूट 2 प्लस रूट 6, ये हमारा बच रहा है। रैशनलाइज करना, सिर्फ इसको रैशनलाइज करना, तो लिखो रूट 2 माइनस रूट 6 और मल्टीप्लाई बाई रूट 2 माइनस रूट 6। रूट 3 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 6 कितना आ जाएगा रूट 18। नीचे 2 को साइड में रखो, यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो रूट 6 तो रूट 6 रहेगा, इसको आप 9 इंटू 2 लिखना बराबर, और यहां पे 2 माइनस 6 2 इंटू माइनस 4, क्लियर। आप इस चीज को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, ये माइनस साइन को ऊपर आपको भेज देना, ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 2, ये 3 रूट 2 आ जाएगा और प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर ये माइनस हम ऊपर भेज रहे हैं, आप ऐसा समझिए। और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस रूट 6 और नीचे क्या हो रहा है 4 टू जा 8, तो ये आपका आंसर होगा। पीछे एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है और बच्चे यहां तक केवल नहीं पहुंच पाते, उन्हें क्या लगता है वो यहां पे लाकर छोड़ देते हैं कि सर हमने तो सब सही किया है, बट आप इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हो कि ये जो डिनोमिनेटर होगा ना वो कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो से बड़ा होना चाहिए और दूसरे ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, और क्या है ये रैशनल होना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या। चलो अब करते हैं हम अगला सवाल, देखिए क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है साइन 30 प्लस टैन 45। ये कौन सा सवाल था, तीसरा था, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा, क्लियर। साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कॉजेक 60। अब नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है भैया जी सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45।
अब देखो इसमें वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करनी हमें। साइन 30 वन बाई टू, टेन 45 वन, कॉज एक्स 60। तो साइन 60 का उल्टा, साइन 60 रूट 3 बाई टू है तो उल्टा करेंगे तो 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। होल अपॉन में सेक 30, तो कॉस 30 का उल्टा कर दो यानी 2 बाई रूट 3। फिर क्या है प्लस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1 बाई टू, 1 बाई टू का उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 2। क्लियर हो गई कॉस 60 क्या 1 बाई टू, 1 बाई टू का हम उल्टा कर देंगे। सही लिखा मैंने कॉस 60 यहां से, बिल्कुल सही। ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा इसमें क्वाट 45, तो क्वाट 45 कितना होता है, क्वाट 45 तो 1 हो जाएगा। ठीक है 1 देख लेना, क्वाट 41 1 कर दो। क्लियर हो गया क्या? अब क्या करना है ध्यान से देखना। ठीक अब हमें जो है सभी को, सभी को हम जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पहले तो इनको जोड़ लो, 1 बाई टू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 और आधा। आप तो पहले एलसीएम लेने आपको आना चाहिए। ठीक है पहले तो इनको जोड़ो, 1 बाई टू और हाफ, 1 बाई टू प्लस 1 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 बाई टू। और प्लस क्या कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं अपन, है ना, 2 अपॉन में रूट 3। होल अपॉन नीचे देखना, नीचे के क्या नजारे हैं, सब कुछ सेम है, ये 2 प्लस 1 हो रहा है। cot 45 रखा हमने, cos 60 की वैल्यू रख दी हमने, cos 60 जो कि 1 बाई टू आ जाएगा, cos 60, अच्छा cos 60 1 बाई टू आएगा ना, हमने cos 60 की जगह पर 2 रख दिया। अच्छा यहाँ पे एक भारी भूल हो गई है ना, cos 60 की वैल्यू 1 बाई टू आती है, 1 बाई टू रखना मैंने शायद बाय मिस्टेक ले रख दिया। ठीक है ध्यान रखना, तो cos 60 भी 1 बाई टू आ गया, 1 बाई टू प्लस 1, तो यहाँ पे 1 बाई टू प्लस 1 कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 बाई टू, और इसमें क्या प्लस करना है 2 बाई रूट 3। अब आप देखें, अब आपको ये थोड़ा देखा देखा लगेगा, ये सेम नंबर ऊपर माइनस में है और यहाँ पे सेम नंबर नीचे प्लस में है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो रूट 3 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर, तो 3 रूट 3 माइनस 2 टू जा 4 और अपॉन में क्या आएगा 2 रूट 3 आ जाएगा। फिर होल अपॉन नीचे, इसमें भी 3 रूट 3 हो जाएगा ये, और 2 टू जा 4 अपॉन में क्या आएगा 2 बाई रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बच रहा है 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे क्या बच रहा है 3 रूट 3 प्लस 4। अब ये इसका आंसर है क्या, रैशनलाइज कर सकते हैं आप। ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है, 3 रूट 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। क्लियर, अब इससे क्या होगा देखो, 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16। इसे एक्सपेंड कर देंगे तो a का स्क्वायर 27 प्लस बी का स्क्वायर 16 और माइनस क्या आएगा 2ab, तो 2 इंटू 3 रूट 3 हो जाएगा 6 रूट 3 और 6 4 जा 24 रूट 3 और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ जाएगा 11। इन्हें जब आप ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 7 13 कैरी बचा 1, 3 प्लस 1 43, तो 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, ये है इसका आंसर, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है क्या सभी को, तो आपको इसमें यह मशक्कत करनी पड़ती है, बाकी और कोई दुविधा नहीं है। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में मुझे वो टेबल मिटाना पड़ेगा, है ना, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, मिटा देंगे। देखो पांचवा सवाल, पांचवा क्या दिया है, पांचवा दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और क्या दिया माइनस tan स्क्वायर 45, माइनस करना है tan स्क्वायर 45 और होल अपॉन में क्या है, होल अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलो 5 को 5 रखो, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 1 बाई टू, तो 5 टाइम्स ऑफ 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 30। अब sec 30 निकालना है तो cos 30 देखो, cos 30 को उल्टा कर दो 2 बाई रूट 3 और उसका स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर और माइनस क्या है tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, tan 45 तो होता ही 1 है। साइन स्क्वायर 30, भैया जी साइन 30 होता है 1 बाई टू, वहां से देखना तो 1 बाई टू का स्क्वायर कर देना
और कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री बाई टू, रखो स्क्वायर कर दो, है ना, ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इससे जब सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर करना, 4 अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1, है ना। नीचे क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा 3/4। ऐड करो, 5 1 5 आ गया 5/4, 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 3 12, है ना। नीचे क्या बच रहा है, नीचे 1 + 3 = 4 और 4/4 कितना आ जाएगा, नीचे 4/4 आ रहा है ना, तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, इसे तो दिक्कत ही नहीं है। अब इसे सॉल्व करो, एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम आ रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 करने के, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 3 = 15, 16 4 = 64 और माइनस 12 1 = 12 और अपॉन में कितना आएगा, सब में 12 आ जाएगा, है ना। अब जब आप ये सॉल्व करोगे तो 15 - 12 ये आ जाएगा 67 अपॉन में 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के इतने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो ट्रू फॉल्स दे रखे। देखो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल है, 2 tan 30 degree अपॉन में क्या है, 1 + tan² 30। अब देखो इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको जो है इनकी वैल्यू रख दो सबसे पहले, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 2 times of tan 30 होता है 1/√3 और नीचे 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, क्लियर। ये 2 upon √3 और नीचे, और इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 1 + 1/3। एलसीएम लेना, ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3 और नीचे 3 + 1 = 4/3, सबसे नीचे और ये दोनों आपस में, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो 3 × 2 ऊपर क्या आ जाएगा, 3 × 2 और नीचे क्या बचेगा, √3 × 4, तो नीचे आ गया √3 × 4। अब देखो 2 1 2 2 2 और 1√3 से ये 3 कटेगा तो ऊपर बचेगा √3, यानी √3/2। इसका आंसर क्या आ रहा है, √3/2। अब √3/2 में आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपको ऑप्शन में sin 60 दिया है, तो आपको ध्यान रखना है sin 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, अपन sin 60, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड सवाल। अब ये करने के लिए आपको जो है, ये आपको नहीं मुझे, ये मिटाना पड़ेगा, है ना, तो और कोई रास्ता है नहीं, अब इन वैल्यूज का सहारा नहीं ले पाएंगे आप। चलिए तो इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है हम दूसरा सवाल कर लेंगे, शायद मैं पहली बार बोर्ड मिटा रहा हूँ, है ना। हाँ, जिन लोगों ने सारे वीडियोज देखे होंगे उन्हें आइडिया होगा, ऑलमोस्ट मैं ये करता हूँ कि मैं बोर्ड भर देता हूँ और उसके बाद मिटाने की बारी आती है तो मैं बोलता हूँ लेक्चर अब कल कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत भारी पड़ जाता है मिटाना यार, है ना, कोई बात नहीं, है ना। अब करते हैं अपन, देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 1 - tan² 45 / 1 + tan² 45। अब जो लोग होशियार होंगे मुझे खाली इतना बताओ, क्या tan 45 की वैल्यू 1 होती है, याद है हमें, तो 1 - 1 का स्क्वायर भैया जी कितना होता है, 1 होता है, 1 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आगे मैं सॉल्व क्यों करूं, ये तो 1 - 1 0 दिख रहा है मुझे, और 0 अपॉन में कुछ भी हो, 0 अपॉन में एनी लफड़ा, ना कुछ भी डाल रखो आप, आंसर क्या आता है, 0। तो इसकी डायरेक्टली मेरे को 0 दिख रही है यार, और 0 दिखने का मतलब ये हुआ आपको ऑप्शन में भी 0 दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऐसे हो गया, सस्ते में नहीं पड़ गया, है ना। तीसरा देखो, तीसरी वाली चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। थर्ड वाला ट्रू फॉल्स देखो, थर्ड ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, थर्ड में उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये एक तरह से इक्वेशन टाइप दे रखा है आपको, और पूछा है कि ये कब ट्रू होगा, आपको सरल भाषा में क्या काम करना है, जितने भी ऑप्शन दिए सारे आप उसमें रख के ट्राई करो,
सारे रख के ट्राई करो। सबसे पहले दिया जीरो, और जीरो ही सेटिस्फाई करेगा, जीरो जीरो डिग्री, तो जीरो इंटू टू कितना हो गया जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू भी कितनी आती है जीरो, और जीरो इंटू टू कितना आ गया, देखो आप देखो साइन टू इंटू जीरो और टू इंटू साइन जीरो, आप देखना तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया और साइन जीरो हो गया ये, और टू इंटू साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू जीरो और टू इंटू जीरो जीरो आ गया इक्वल, तो ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब ए की वैल्यू जीरो हो। आप एक जगह पे 30 डिग्री 60 डिग्री रख के चेक करना, ये कभी इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये इसका सही सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया क्या ये? चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, चौथा ट्रू फॉल्स। चौथा ट्रू फॉल्स क्या दिया है, टू टेन थर्टी अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी। अब सरल भाषा में बात यह है कि जो सवाल आपने यहां करा था वही यहां पे, बस यहां प्लस था यहां माइनस हो गया, सबकी वैल्यू सेम टू सेम रख देना। टू टाइम्स ऑफ टेन थर्टी यानी वन बाई रूट थ्री अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी यानी वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर कर देना। बड़े आसानी से यह टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा सर, नीचे आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, क्लियर, स्क्वायर कर दोगे। और फर्दर सॉल्व करना तो ये हो गया टू बाई रूट थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन आ जाएगा टू बाई थ्री। सबसे नीचे सबसे ऊपर वाला गेम रख देना आप आसानी से, है ना, ठीक है, आ जाएगा टू इंटू थ्री, ऊपर थ्री चला जाएगा टू इंटू थ्री, और नीचे टू इंटू रूट थ्री, देखो टू से टू कट जाएगा और एक रूट थ्री से ये थ्री कटा तो एक रूट थ्री बचा केवल, और रूट थ्री किसमें दे रखा है आपको, टेन सिक्सटी, देखो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, ये सारे एमसीक्यूज थे और हमने जो है क्वेश्चन नंबर टू तक निपटा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है सर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ऐसा दिया है कि टेन ए प्लस बी की वैल्यू जो है, मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको, इसकी वैल्यू रूट थ्री है, क्लियर, और दिया हुआ है कि टेन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो वन बाई रूट थ्री है, समझे। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, सोचो कि टेन रूट थ्री कब आता है, तो ये तो टेन रूट थ्री तब आएगा जब टेन सिक्सटी होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 60 लिखा है तभी तो इसकी वैल्यू रूट थ्री आ रही है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60। तो कंपेयर करने पे हम लिख पाएंगे यहां से कि भैया जी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 60 आ रही है, समझ में आ गया। और सोचो कि वन बाई रूट थ्री टेन कब देता है, जब टेन की वैल्यू 30 डिग्री हो, मतलब ये 30 लिखा है तभी तो वन बाई रूट थ्री आया, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। दोनों को जोड़ दोगे प्लस बी माइनस बी कट गया, ये आ गया टू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 90, ए से निपटा दो, ए की वैल्यू आ गई 45 यानी 45 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 45 है तो ए में 45 ऐड करने पे 60 आ रहा है, इसका मतलब सॉरी ए प्लस बी है ना, ए की वैल्यू 45 कर दो, 45 प्लस बी ऐड करने पे अगर 60 आ रहा है, मतलब बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, और यहां से बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू आपकी जो है 45 और बी की वैल्यू आपकी जो है 15 डिग्री इजीली आ जाएगी। क्लियर हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट क्या बचा है, ट्रू फॉल्स बचा है, लास्ट है ये। अब ट्रू फॉल्स हमें करना है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का देखो पहला वाला सवाल, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो है उनके हिसाब से साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होनी चाहिए, जो कि गलत है सर, ध्यान रखना। क्यों गलत लग रही है सर, आप इसमें वैल्यू रख के देखना, ए की जगह पे 30, बी की जगह 60 ले लेना, 30 प्लस 60 90 होना चाहिए, तो साइन 90 कितना आ जाएगा 1, और वही आप यहां देखना साइन 30 1 बाई 2 और साइन 60 जो है रूट 3 बाई 2, इनको कभी आप ऐड करोगे तो कभी 1 नहीं आएगा। तो यहीं पर दिख रहा है कि अगर ए की वैल्यू मैं 30 ले रहा हूँ और बी की 60 लिया, तो 30 प्लस 60 90 हुआ और साइन 90 कितना आना चाहिए 1। अब चेक करो साइन 30 वन बाई टू और साइन 60 रूट थ्री बाई टू, दोनों को जोड़ो 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये होगा ही नहीं। साइन ए प्लस बी का अपना पूरा फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में आप ये पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, वो सही होता है। ये मैंने कहा ना अलजेब्रा के रूल्स इसमें नहीं लगेंगे, ये बेसिकली क्या किया, इसने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, साइन इंटू ए साइन है और साइन इंटू बी साइन बी, इसने अलजेब्रा के रूल फॉलो कराए हैं। बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं एनसीईआरटी कि अलजेब्रा का नियम यहां मत लगाना, ऐसे मत करना कि टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री है तो टू इंटू एक्स करके मैं टू एक्स लिखूं और टू इंटू थ्री करके मैं छह कर दूं, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना।
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा, साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं आएगा, क्लियर। पहला फॉल्स आ गया, ये पहला था। दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा सवाल दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ट्रू। ध्यान रखना कैसे ट्रू होगा सर, आप याद करो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो है ना। देखो साइन की अगर मैं वैल्यू रखू है ना, तो जीरो पे जीरो आएगा, थर्टी पे वन बाई टू आएगा, उसके बाद ये वन बाई रूट टू हो रहा है, फिर रूट थ्री बाई टू हो रहा है, और यहाँ पे वन आ जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीरो से आधा हुआ, आधे से, ये भले तुम्हें ना समझ में आए लेकिन समझ में ना कि जीरो से आधा बढ़ा है, फिर उसका सीधे वन हो गया, मतलब बढ़ रहा है ना। आप जीरो था, थर्टी, फोर्टी फाइव, सिक्सटी, नाइनटी, वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। थर्ड वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, इनका कहना है कि cos भी बढ़ता है एंगल बढ़ाने पे। गलत है सर, cos की वैल्यू याद है क्या, cos उल्टा, मतलब पहले 1 था, फिर रूट थ्री बाई टू होगा, फिर 1 बाई रूट टू होगा, फिर 1 बाई टू हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा, याद है cos उल्टा होता है। तो ये तो 1 से खत्म होता होता है, आधा हुआ फिर 0 हो गया, एंगल बढ़ा रहे हो तो ये घट रहा है ना, तो थीटा इंक्रीजेस तो एंगल की वैल्यू डिक्रीजेस। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोली मैंने आपके लिए ना, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, गलत है ये, फॉल्स आ जाएगा, लिख लेना ना, सेकंड के थर्ड का आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो चौथा आइटम क्या है अपने पास, चौथा दिया है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स, मामू बना रहा है ये। sin और cos बराबर कब होते हैं, 45 डिग्री पे, हमने अभी देखा sin 30 अलग होता है 1 by 2, cos 30 देखो √3 by 2, इक्वल कहां हुआ, इक्वल कब होते हैं, इक्वल होते हैं सिर्फ 45 डिग्री पे, सिर्फ साइन कॉस नहीं, टैन कॉट भी इक्वल होते हैं, सेक कोसेक भी इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ 45 डिग्री पे, बाकी और किसी एंगल पे नहीं, ध्यान रखना, क्लियर। चलो पांचवा सवाल क्या है सर, पांचवा सवाल इनका ये है, पांचवे सवाल में आपको बोला है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो। अब इनका कहना है कि कॉट ए जो है डिफाइंड नहीं है, अब इसे याद कैसे करेंगे सर, ये इंपॉर्टेंट है, सोचिए। फिफ्थ सवाल, cot a is not defined for a is equal to zero degree, cot zero की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सोचो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot क्या होगा, cos a upon में sin a, क्लियर, cos a upon में sin a, अगर याद ना रहे तो। अब जीरो रखो तो cos zero वन आ जाएगा और sin zero जीरो आ जाता है, तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, और यही तो ये बोल रहे हैं कि नॉट डिफाइंड, तो सही बोल रहे हैं, मतलब ये ट्रू आ जाएगा, पांचवा जो है ट्रू आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, चलो तो यहां पे इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आओ तो एक बार जो है थोड़ा बहुत रिवाइंड करके देखने की कोशिश करें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी सवाल में अगर आप अटकते हैं, फंसते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। अब शायद इंस्टाग्राम के लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप जो है एक बार मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर ये चीज हमें रह रही है, जो भी रहता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन चीजों का हम प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकाल, क्लियर है क्या। चलो तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। टिल दैट आप ये पूरा कंप्लीट करके रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, मन लगा के पढ़ना, बराबर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।